Pandanjan, it's time right now for us to be heading into our Seva segment right here on Radio De Hotties. And if you're watching us on YouTube right now, you're on the Video De Hotties channel. And as part of philosophy that we carry on at Media Mahima, which was instilled by our very own Mahimaji, where we celebrate August as the month of Seva, we bring on some wonderful people from the community who are doing great work, not only here, but also back home in India or across the world. And we try to seek inspiration from the work that they're doing and see if we can help them in any which way possible. And when I say we, it's us bandhus who can help them. So do pay close attention to what's coming up in the next few minutes, Pandajan. We have previously spoken to this gentleman, and we've spoken about this nonprofit organization as well, this charitable cause, which is a wonderful cause. Alto and myself completely, resonate with this particular cause. And we wanted to see if he would come back and talk to us a little more about what they do at Daya Sumitra Educational Society. So let's go on and welcome him. Hi, Dr. Tiwari. How are you doing? Very nice. Very nice. Pehle to bahut bahut dhanyawad mujhe aap yahan phir se bulaye. Aur it's an honor to be back. आप जैसे सेवाधारी से हम लोग इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं सर, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन. दिस इज डॉक्टर विजय तिवारी, हु इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द दया सुमित्रा एजुकेशनल सोसाइटी बंदजान. नाउ यू माइट बी वंडरिंग, यू नो, आई डोंट सी इट्स स्प्लैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस, आई हैवन्ट हर्ड मच अबाउट दया सुमित्रा एजुकेशनल सोसाइटी, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? सो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल आवर बंदूस, प्लीज डू शेयर डॉक्टर तिवारी. श्योर. तो ये जो कविता जी सोसाइटी है, दया मेरे पिताजी का नाम है, सुमित्रा मेरे माताजी का नाम है, और एजुकेशनल सोसाइटी है. तो इस सोसाइटी के थ्रू हम लोग कुछ बच्चों को पढ़ा पाते हैं. और ये जो एक स्कूल है जो कि इस सोसाइटी के अंतर्गत आता है, वो नॉर्थ इंडिया में है. एंड दैट टुडे, एज ऑफ टुडे, वी आर एबल टू सपोर्ट ऑलमोस्ट 450 kids for free, and total of 657 kids get educated in that school. तो basically ये काम करती है society शिक्षा के उस दिशा में. और बाकी जो है, साल में हम लोग 3 या 4 medical camps करते हैं. And it's just a part of it. And the last thing we do through this society is to provide some shelter to those people जो कि afford नहीं कर सकते. और हम उस area की बात कर रहे हैं बंधुजान, जो कि वो भारत के उन जगहों पर है जहाँ पर कि आज भी मेरे गांव में, मैं जहाँ से हूँ, बलिया के जिस गांव से मैं हूँ, आज भी वहाँ पे electricity नहीं है. और वहाँ पर इन बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, दिन में एक खाना, एक समय का भोजन देना और थोड़ा सा हेल्प करना, इन सब चीज़ों में यही काम है दया सुमित्रा एजुकेशन सोसाइटी का. So, ये जो आपने कहा कि मेडिकल कैंप्स भी करते हैं, do you do that back home in India or is it here in the United States? So, दो जगह है. एक तो हमारे यहीं पर है, सैन लोरेंजो एक जगह है बेरिया में ही. तो वहाँ पर एक हाई स्कूल है, उसका नाम है एशलैंड हाई स्कूल. तो वहाँ पर एक क्लिनिक है, उसका नाम है एशलैंड फ्री मेडिकल क्लिनिक. पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग वॉज डन एट AFMC, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, सो दैट्स वाई आई नेम्ड इट AFMC. लेकिन ये हर सैटरडे को यहाँ पे करते हैं 8 से 11 के बीच में. लेकिन जो मेडिकल कैंप, मैं 4 मेडिकल कैंप की बात करता हूँ, वो इंडिया में होता है. अच्छा. और उस मेडिकल कैंप के थ्रू हम कम से कम 5,000 से ज़्यादा आई सर्जरीज करते हैं कैटरेक्ट्स के लिए, और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स करते हैं जो कि 4 बार साल में करते हैं. और वो दैट इज़ इन बैक इंडिया. Wonderful. So I want to ask you, you've shared this with us, but I think it's a very compelling story, and we would love our Bandhujan to understand what inspired you to start the Daya Sumitra Educational Society. Aapka jo mission and vision and passion iske liye hai, wo kaise aana hua, and can you share that with us, please? Sure. तो मैं एक बड़े ही सामान्य से परिवार में पैदा हुआ था इंडिया में. और मेरे घर में 5 लोग थे. मेरे पिताजी, माताजी, बहन, भाई और मैं. और हम पांचों को रोटी जो मिलती थी वो दिन में 1 बार मिलती थी. तो मम्मी कुछ रोटियां बना देती थी और उसके बाद हम लोगों को जो भी खाना है उसी में से खाना है. रोटी ख़त्म हो जाए और अगर भूख लगी हो तो आप
पानी पीजिए जब तक आपका पेट भर ना जाए, और अगर शाम को फिर से भूख लगे तो फिर और पानी पीजिए जब तक पेट भर ना जाए, क्योंकि रोटी एक ही बार मिलनी है। तो ये तो हुआ खाने का। और शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, मुझे 6 से 7 मील दूर पैदल चल के जाना पड़ता था, स्कूल इतनी दूरी पे था। तो बेसिकली दैट इज़ हाउ आई ग्रो अप। दैट वन थिंग आई कैन टेल यू कि ये जो चीज़ें थी ये बहुत ही स्पेरिंगली अवेलेबल थी मुझे भी और मेरे परिवार को। तो जब मैं बड़ा हुआ, जब हाई स्कूल में गया, तो उस दौरान मेरे घर में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरे मम्मी पापा जी की डेथ हो गई। और उसके बाद द लाइफ वॉज येट मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड ट्रबलसम। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, भगवान की कृपा से जब मैं यहाँ तक पहुँचा और वापस मैं अपने गांव गया, तो देखा कि वहाँ पे अभी भी कोई स्कूल नहीं था। तो मेरा ये मानना था कि अगर तो मैं कुछ पैसे डोनेट कर दूँ तो शायद कुछ लोगों का घर बन जाए, स्कूल बन जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन जब तक उनका रवैया नहीं बदलेगा, जब तक उनको शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक कुछ नहीं बदलना है। एंड दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि मैंने एक स्कूल बनाया वहाँ पर। और वो स्कूल सभी के लिए है और वो फ्री है, कोई भी आके वहाँ पढ़ सकता है। और शुरुआत हमने की थी 2011 में। उस समय हमारे पास 40 के आसपास बच्चे थे। और आज हमारे पास 650 से ज़्यादा बच्चे हैं। एंड दे आर ऑल गेटिंग एजुकेटेड एंड आई एम होपिंग दैट things will change pretty soon across the globe like this, because I have seen many of Vijay Tiwaris, or even better than Vijay Tiwaris, who are doing these kind of things, who are going back to the society. It doesn't matter where you go. The whole world is our home. So it's happening. And that is the reason why we started the school. Wonderful. And Bandhujan, he did say it was a very small accident, but it's a life-changing one. You know, only somebody who had little or no access or had to work very hard to get an education will understand the real importance of education. Dr. Tiwari, who grew up in Ballia, is that the Gaon? Yeah. And who is now a very successful physician here in the United States, and is now giving back to society with the formation of the school. We would like to tell you that this is what we mean by a sevadhari, somebody who is living the or walking the talk, as we say. So I want to ask you, Daya Sumitra ke liye kaise funding karte ho? I mean, do you do fundraising activities? Could you talk to us about जी, that? जी, जरूर. जैसे से लोग, मतलब students बढ़ते गए, कविता जी, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा teachers hire करने पड़े, buildings बनानी पड़ी, तो उसके लिए काफ़ी खर्चा लग जाता था. तो पहले तो मैंने शुरू किया था कि मेरी तनख्वाह का 50% मैं स्कूल को डोनेट कर देता हूँ, और आज भी उतना ही करता हूँ, लेकिन वो काफ़ी नहीं हो पाता है अब. काफ़ी एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं. तो अब मैं क्या करता हूँ कि साल में एक बार जो मेरे मित्र हैं, जैसे आप हैं या फिर और भी लाइक माइंडेड पीपल, दे जॉइन मी एंड हम लोग कोई एक या तो डिनर करते थे या कुछ ऐसा करते थे. तो इसी जर्नी में मेरे एक और मित्र बने, वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी थे और हैं अभी एक्चुअली. सो ही जॉइंड हैंड एंड एवरी ईयर ही कम्स टू बेरिया ऑन हिज ओन कॉस्ट. ही पेज फॉर हिज एयरफेयर, ही पेज फॉर हिज बैंड्स एयरफेयर, एंड ही डज नॉट चार्ज एनी मनी टू मी. एंड ही कम्स एवरी ईयर एंड डज वन म्यूजिकल शो. एंड इस साल तो ही बिकेम द cultural ambassador of government of India. He was awarded Padma Shri recently. तो वो इस साल आ रहे हैं फिर से, और उन्हीं के शो को हम लोग अगस्त 24 को कर रहे हैं, 24 अगस्त को शबो कॉलेज में, एंड दैट विल बी आवर दिस ईयर्स फंडरेजर एक्टिविटी. That's right. And that is none other than Padmashree Kailash Kher Saab and Jan, who will be performing here. Now, I just want you to take a moment and reflect upon this. There are many artists who come from India. There are, I mean, you know, concert, aap ek dhundo, hazaar milenge aaj Bay Area mein. But very seldom is it that people like Kailash Kher Saab will come here without taking a talent fee, bearing their own expense, their band's expense, and come and do this for raising funds for a cause. Now, that speaks of how important this
particular causes to him as a person as well. And that is why we would like every single one of you to actually come in to this particular concert. Obviously, there are other expenses to the concert, but you know, you also want to make sure that Dr. Tiwari and his entire board at DSES are able to raise enough funds to be able to, you know, sustain the wonderful work that they're doing back home in India. Is there a project you're specifically working on right now, Dr. Tiwari? Yeah. So, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब नेपाल अर्थक्वेक आया था, तो मेरा भी स्कूल टूट गया था उसमें. तो दो साल पहले कैलाश जी आए थे, तो हमने कुछ फंड रेज किया था जिसमें आप लोग भी एसोसिएटेड थे. तो उससे हमारा स्कूल तो बन गया है, लेकिन अब हमें फर्नीचर्स बनवाने हैं, साइंस लैब बनवाना है बच्चों के लिए, लाइब्रेरी बनवानी है. तो उन चीज़ों के लिए हमें फंड रेज करना है इस साल. एंड आर गोल इज़ टू रेज अबाउट $60,000. दैट विल फिनिश द होल प्रोजेक्ट. And that is where we are heading towards. And आपके बंधुजनों को जिनको भी अगर और जानकारी चाहिए होगी तो हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.desetschool.org desetschool.org. और अगर टिकट खरीदनी है, हमारे शोज़ में आना है, तो आप प्लीज़ ज़रूर आएँ sulekha.com/kailash. और मुझे भी आप कॉल कर सकते हैं 408-807-3199. That's right, Banujan, 408-807-3199 to talk to Dr. Tiwari. If you are moved by what he's doing and you'd like to contribute to the cause, if for some reason you're not able to make it to the concert, or you want to come to the concert but still contribute to the cause and get involved, definitely go to their website, desetschool.org, or just give them a call, 408-807-3199. Again, 408-807-3199. Banujan, this is what we ask every one of our bandhus to do. Please, for a moment, this month of August, on you know, during the course of everything else that you're doing, take one moment to think about how you can make a difference. And there are many options for you to choose from, but think about where you would be actually making a life in the, making a difference in the lives of 650 odd children who are the future of our country, as opposed to just going and enjoying and doing something. I mean, we can do that anytime. You could go to a movie, you could go to a concert, you could do anything. But have a great time at the Kailash Khair concert. This gentleman is doing it for such a noble cause, and it's so noble of him to be actually not charging anything for it. So that's the reason we're compelling every single one of our bandhus. This is important. We are going to be there ourselves, Altu, myself, and a bunch of our bandhus are going to be there at the Kailash Khair concert. So please do join us. You can buy tickets at sulekha.com/Kailash. Or you could go to desetschool.org, or just give Dr. Tiwari a call at 408-807-3199. Thank you so much, Dr. Tiwari. Please do keep up the wonderful work that you're doing. And we need more Sevadharis like you. We'll see you at the Kailash Khair concert. Thank you so much again for inviting me. And thanks to your listeners also and viewers. Thank you so much.